हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 92 आज अपन डिस्कस करने जाएंगे और इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया था और टेम्परेचर स्केल्स अपन ने पढ़ी थी। तो आज थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, फिर जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं निकाय, निकाय बोले तो सिस्टम, निकाय बोले तो सिस्टम क्या होता है। अभी ध्यान से देखना, देखो कण अथवा कणों का ऐसा समूह है जिसको ऊष्मा गतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है, जिसकी अपन स्टडी करने वाले हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। तो निकाय वो चीज होती है जिसकी अपन स्टडी करते हैं। अभी जैसे मान के चलिए किसी भी बर्तन के अंदर कोई गैस भरी हुई है और इस गैस की अपने को स्टडी करनी है कि इस गैस का टेम्परेचर क्या है, इस गैस का प्रेशर क्या है, इस गैस का वॉल्यूम क्या है, इस गैस के अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या कितनी है, इसका घनत्व कितना है, इसकी एंट्रोपी कितनी है, इसकी एंथैल्पी कितनी है। तो ये जो गैस है, इस गैस को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, सिस्टम बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं, ठीक है ना। और मान के चलिए किसी भी गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी की अपने को स्टडी करनी है तो इस पानी को अपन क्या बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं। तो निकाय वो होता है जिसकी स्टडी की जाती है। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मागतिक अध्ययन हेतु चुना जाता है, क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है, ठीक है ना। अब सुनना, ऐसा निकाय जिसके अंदर कणों की संख्या बहुत कम हो उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और ऐसा निकाय जिसके अंदर कणों की संख्या बहुत ज्यादा हो उसको अपन बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। निकाय के बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी परिवेश की, सराउंडिंग क्या होता है, अभी परिवेश क्या होता है। देखो ये अपना जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की एक छोटे से भाग को तो अपन ने स्टडी के लिए चूज कर लिया है, इसका तो अपन ने चुनाव कर लिया ऊष्मा गति का अध्ययन के लिए, और जो शेष बचा हुआ भाग है इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, परिवेश बोल सकते हैं। और परिवेश वो भाग होता है जिसके साथ ये निकाय ऊष्मा या मैटर यानी पदार्थ का आदान प्रदान करता है। अभी तो निकाय के अलावा ब्रह्मांड का वह शेष भाग जिसके साथ निकाय ऊष्मा व पदार्थ का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए किसी भी बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है तो वो गैस है वो तो क्या हो जाएगी, निकाय। बाकी पूरा जो ब्रह्मांड बच गया उसको अपन क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। एक होती है परिसीमा, क्या होती है, परिसीमा, बाउंड्री। तो निकाय और परिवेश इन दोनों को अलग करने वाली जो सीमा उसको अपन परिसीमा बोलते हैं। तो परिसीमा तो क्या होती है, निकाय को परिवेश से
अलग करने वाली सीमा। तो निकाय को परिवेश से अलग करने वाली जो सीमा उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसीमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात होगी भी, तो वो बाउंड्री जो उसकी निकाय को परिवेश से अलग करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। अब कुछ बाउंड्री ऐसी होती है जो क्या करती है भाई, जिसके थ्रू ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है बट पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक, ठीक है ना। और यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, डाइथर्मिक बोल सकते हैं, डाइथर्मिक इंग्लिश में बोलते हैं। और कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती है जिनसे न तो ऊष्मा का और नहीं पदार्थ का आदान प्रदान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एडियाबेटिक। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक बाउंड्री। तो जैसे ये बाउंड्री है सिंपल, इस प्रकार से लाइन से बना दी, इसको अपन बोलते हैं चालक या ऊष्मा पारी है। परिसीमा डायथर्मिक बाउंड्री, यानी इसमें से जो ऊष्मा है और पदार्थ है ऊष्मा का आदान प्रदान पदार्थ का आदान प्रदान, तो इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान है वो तो क्या होता है अभी, होता है बट पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। और एक अपन बनाते हैं इस प्रकार से यूं, बनाने का तरीका उसका ऐसा होता है तो इसका नाम होता है ऊष्मा रुद्ध परिसीमा। एडियाबेटिक बाउंड्री, इस बाउंड्री की अगर अपन बात करें तो ऊष्मा का आदान प्रदान और पदार्थ का आदान प्रदान दोनों ही नहीं होते हैं तो दोनों पे अपन क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो अपने निकाय परिवेश और परिसीमा की बात कर ली अभी, ठीक है। तो निकाय वो पार्ट होता है जिसकी अपन स्टडी करते हैं, शेष बचा हुआ भाग वो क्या होता है, परिवेश होता है। निकाय और परिवेश को अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसीमा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक होता है ऊष्मा गतिक निर्देशांक या ऊष्मा गतिक चर। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। देखो ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं भाई, ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए या थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कुछ वेरिएबल्स अपन काम में लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक चर बोलते हैं। तो ऊष्मागतिक अध्ययन हेतु प्रयुक्त चर, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया,
टेम्परेचर हो गया, मोलों की संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी, अणु घनत्व हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में आंतरिक ऊर्जा होगी, एंट्रोपी होगी, एंथैल्पी होगी एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं ऊष्मा गति की का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शॉर्ट में इसको अपन लिख देते हैं जलोट। तो यहां पर ये वाला जो नियम है ये क्या करता है भी? ताप की अवधारणा देता है। क्या करता है? ताप की अवधारणा देता है। क्या क्या होता है ये नियम देवदान से? देखो अपने पास है इस प्रकार से कोई भी एक बर्तन है, इसके चारों तरफ ये तो क्या हो जाएगी अपने पास थर्मोडायनेमिक वाल हो जाएगी, सॉरी एडियाबेटिक वॉल, तीन भागों में बांट दिया इसको अपन ने। ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां पे ए और बी के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, बी और सी के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो सकता है, बट ए और बी के बीच में तो एडियाबेटिक वॉल है, इस कारण से किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मान किस लिए स्टार्टिंग में ए और सी ये दोनों समान तापमान पर नहीं है, तो यहां पे ए और सी इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा और अल्टीमेटली ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, यानी तापीय संतुलन स्थापित हो जाएगा। दोनों के बीच में ऊष्मा के आदान प्रदान से ऐसी स्थिति जनरेट हो जाएगी कि दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा और अल्टीमेटली दोनों के बीच में ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं तापीय संतुलन, की स्थिति में जो टीए है वो बराबर हो जाएगा किसके? टीसी के। यहां पे बी और सी ये भी मान के इसलिए दोनों अलग अलग तापमान पर है, तो अपन जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और कब तक होता है? जब तक कि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाए, तो अल्टीमेटली बी और सी का तापमान भी बराबर हो जाता है। तो अपन लिख देते हैं कि टी बी बराबर क्या देगा आपके पास में? टी सी। तो क्या होता है? तो अल्टीमेटली ए और बी का तापमान भी बराबर हो जाता है, तो अपन बोल देते हैं कि टी ए बराबर क्या देगा आपके पास है? टी बी देगा भी। इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फिर भी यहां पर ए और बी इन दोनों का तापमान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है भी। तो ध्यान से देखना देखो बच्चों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी टेम्परेचर है ना वही ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना। और जब दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में इन दोनों वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का नेट प्रवाह रुक जाता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में नेट हीट फ्लो नहीं होता है अभी, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बातें अपन ने पढ़ी है, इनको नोट करें, फिर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखना देखो बच्चों, ऊष्मा गतिकी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अब तक अपन ने पढ़ लिया है कि जो निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिसीमा क्या होती है, परिसीमा कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको बता दिया, और फिर उसके बाद में ऊष्मा गति निर्देशांक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में ऊष्मा गतिकी का जो शून्यांकी नियम है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं भाई ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, सबसे इंपॉर्टेंट लो आइए, ठीक है। तो देखते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी
का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ध्यान से देखना। देखो देखो सबसे पहली बात है कि ये जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। और ये क्या बताता है कि यदि किसी भी निकाय को अपन कुछ ऊष्मा देते हैं तो इस ऊष्मा का कुछ पार्ट है वो निकाय परिवेश के विरुद्ध कार्य करने में प्रयुक्त करेगा, ठीक है ना, और जो शेष भाग है वो इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो अपन लिखते हैं कि ये आधारित है किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह कहता है कि निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य है प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, प्लस क्या हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। तो निकाय को दी गई ऊष्मा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। निकाय के द्वारा किया गया कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी आपके पास में डी यू जाएगी। यहां पर यह इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब बात सुना भी, निकाय को दी गई ऊष्मा, अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो डेल्टा क्यू को अपन पॉजिटिव लेंगे और यदि निकाय के द्वारा ऊष्मा रिलीज की जाती है, ऊष्मा निष्कासित की जाती है तो इस स्थिति में डेल्टा क्यू को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। निकाय द्वारा किया गया कार्य है, अगर निकाय खुद कार्य करता है तो इस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू को अपन पॉजिटिव लेंगे और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो इस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू को अपन नेगेटिव लेंगे। आंतरिक ऊर्जा में अगर वृद्धि होती है तो डी यू को पॉजिटिव लिखेंगे और आंतरिक ऊर्जा में अगर कमी होती है तो इस स्थिति में डी यू को अपन लिख क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे भाई, ठीक है ना। ये चीज तो ये सारे के सारे जो चिन्ह है वो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से पुट करना है। तो देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। निकाय द्वारा ऊष्मा मुक्त की जाती है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आंसर देखना, देखो डेल्टा डब्ल्यू यानी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो इस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू वो क्या देगा आपके पास में, पॉजिटिव। और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो इस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास है, नेगेटिव देगा भी। अब यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो इस स्थिति में आयतन बढ़ता है और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है यानी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो आयतन घटता है भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है द्वारा तो इस स्थिति में गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ता है, यानी गैस क्या होती है, प्रसारित होती है। और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो इस स्थिति में गैस संपीड़ित होती है यानी आयतन है वो क्या होता है, घटता है, यानी जो डेल्टा वी है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और इस स्थिति में आपके पास में जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव जाएगा भी, ठीक है ना। और इसके बाद डी यू की बात करते हैं,
डीयू। तो ध्यान से देखना, देखो यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इस स्थिति में तो डीयू क्या होता है आपके पास में, पॉजिटिव। और यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो डीयू क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव होता है। अभी अब आपको बताया कि आंतरिक ऊर्जा वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस की। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मतलब टेम्परेचर में वृद्धि, और आंतरिक ऊर्जा में कमी मतलब टेम्परेचर में कमी। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब टेम्परेचर में वृद्धि, और आंतरिक ऊर्जा में कमी मतलब टेम्परेचर में कमी। ये बात हो गई भी। तो ये आपके पास है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू है। इसके अंदर एक तो आपको सारी की सारी जो वैल्यूज है वो एक ही यूनिट के अंदर पुट करनी है, या तो तीनों के मान आप जूल में पुट कर दो और या कैलोरी में पुट कर दो। भाई कुछ हो सकता है कि आपको जूल में दे रखे हैं, कुछ आपको कैलोरी में दे रखे हैं, तो या तो सबको जूल में पुट करो या सबको कैलोरी में पुट करो, ठीक है ना। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक ही इन तीनों भौतिक राशियों के जो मान है वो आपको चिन्ह के साथ में पुट करने हैं, प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना, तभी आपको सही आंसर की प्राप्ति हो सकती है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ है भाई। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बात समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो एक निकाय को चार सौ जूल, या इसको लिख देते हैं अपन 100 कैलोरी उष्मा प्रदान की जाती है तथा निकाय पर पचास जूल का कार्य भी किया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर, अब 100 कैलोरी है और ये किस में दे रखा आपको, जूल में दे रखा है, तो या तो दोनों को कैलोरी में पुट कर दो या दोनों को जूल में पुट कर दो। तो अपन एक काम करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं अभी 100 कैलोरी। अब ध्यान से देखना, देखो कैलोरी एक कैलोरी के अंदर होते हैं 4.2 जूल होते हैं, तो कैलोरी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इंटू 4.2 जूल, तो कितना देगा आपके पास 420 जूल हो जाएगा अभी। और इसी प्रकार से जो डेल्टा क्यू है वो प्लस होगा कि माइनस होगा, को 100 कैलोरी उष्मा प्रदान की जाती है, तो निकाय को यहां पर अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी प्रकार से निकाय पर 50 जूल का कार्य कर दिया जाता है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना देगा आपके पास है 50 जूल, ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, माइनस का, क्योंकि निकाय पर कार्य करेंगे और निकाय पर कार्य करेंगे तो इस स्थिति में गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा वी है वो नेगेटिव, और इस कारण से डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव देगा। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है डी यू, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा 420 बराबर डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 50, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है डी यू देगा, तो यहां से आपके पास है डी यू बराबर कितना हो जाएगा 420 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 470 जूल, 470 जूल हो जाएगा अभी। और 470 जूल प्लस का रहा है कि माइनस का रहा है, प्लस का, तो इसका मतलब यह है कि आंतरिक ऊर्जा में 470 जूल की वृद्धि हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, देखो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है इसके अंदर अपन ने तीन भौतिक राशियां पढ़ी, एक तो डेल्टा क्यू, एक डेल्टा डब्ल्यू और एक डी यू। तो इन तीनों के बारे में यहां पर अपन डिस्कशन करते हैं अभी। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डी यू, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करता हूं मैं सबसे पहले। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके पास जो डी यू है
ये तो क्या होता है, ये तो होता है अवस्था फलन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, अवस्था फलन का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल जो डी बना केवल प्रारंभिक अवस्था फलन है ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी यू है केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो डी यू केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं, ठीक है ना। तो बात सुनना भाई, जैसे मान के इसलिए कि आपको प्रारंभिक अवस्था दे रखी है ए और अंतिम अवस्था आपको दे रखी बी दे रखी है, तो आपको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास में कई सारे रास्ते हो सकते हैं, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अब आपको समान मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं अवस्था फलन, ठीक है ना। इसी कारण से इसको अपन क्या लिखते हैं भाई, डी यू लिखते हैं। और इसके बाद में जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं पथ फलन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पथ पर निर्भर करते हैं भाई, ये पथ पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना, आप प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक किस रास्ते से जा रहे हो, आपने ए से बी तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज किया है, इस बात पे डिपेंड करता है डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, जबकि डी यू केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करता है भाई, ठीक है ना। ये बातें मैं आपको आगे डिटेल से ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा भाई, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं डी यू, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो ध्यान से देखना। देखो डी यू इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, म्यू सीवी इंटू डेल्टा टी। आप सबको मालूम है, अपन ने लिखा था केटीजी वाले चैप्टर के अंदर सीवी बराबर क्या होता है, आर अपन गामा माइनस वन। यार पुरानी बातें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू सीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास में क्या देगा भाई, डी यू देगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अपन जानते हैं कि पी वी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू आर टी टू माइनस टी वन अपॉन क्या देगा आपके पास है, गामा माइनस वन हो जाएगा। तो म्यू आर टी टू इसको अपन लिख सकते हैं पी टू वी टू, और माइनस म्यू आर टी वन इसको अपन लिख सकते हैं पी वन वी वन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी यू बराबर क्या बन जाएगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है अभी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। बाद में मत बोलना कि भूल गए हम, एक आपको डी यू का ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखता है। तो आपको मालूम है कि इस फॉर्मूले से ही मैंने ये वाला फॉर्मूला है वो डिराइव किया अभी, तो ये तो आपके पास में डी यू आ गया। इसके बाद में अगला अपन देखते हैं क्या भाई, डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब गैस के द्वारा किया गया कार्य है। अब इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं, देखना ध्यान से। देखो देखिए ध्यान से, देखो बच्चों मान के चलिए कि ये आपके पास में कोई भी बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने कोई भी गैस भर रखी है, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से कोई भी गैस भर रखी है, और इसके ऊपर आपने इस प्रकार से कोई भी पिस्टन लगा रखा है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने इस प्रकार से कोई भी पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया आपने, ये पिस्टन लगा दिया। अब मान के इसलिए गैस का जो प्रेशर है वो कितना है भी, पी है, गैस का प्रेशर कितना है पी, और ये जो पिस्टन है इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो जाएगा आपके पास है ए, और जो पिस्टन है इस पर गैस है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा
यानी ऊपर की तरफ ये जो गैस है इस पिस्टन पे प्रेशर लगा रही पी। अब गैस के प्रेशर की वजह से यहां पे जो पिस्टन है मान के चलिएगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और कितना शिफ्ट हो जाता है भाई, dx शिफ्ट हो जाता है। अल्प विस्थापन अपन देखते हैं, और इसका जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा। अब विस्थापन अपन ने अल्प कैसे लिया है, क्योंकि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ गति करेगा, तो वैसे वैसे गैस का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो इसका प्रेशर है वो घट जाएगा, ठीक है ना। अब अपन ने dx है वो इतना अल्प लिया, इतना सूक्ष्म लिया है कि x में इतने छोटे परिवर्तन के दौरान या आयतन में इतने सूक्ष्म परिवर्तन के दौरान प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो विस्थापन है बहुत ही कम लिया है मैंने, तो मैं देख सकता हूँ कि किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या देगा आपके पास में गैस द्वारा dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य, तो dw बराबर कितना देगा आपके पास f इंटू क्या देगा dx हो जाएगा। अब बात सुना भी, फोर्स को अपन कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर p बराबर क्या होता है f अपॉन a, तो मैं लिख देता हूं यहां पे p बराबर क्या होता है आपके पास f अपॉन a, तो f बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं p a इंटू क्या देगा आपके पास dx हो जाएगा भाई। तो यहां पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p को तो लिख देंगे p, और एरिया इंटू डिस्टेंस a इंटू dx भाई, क्षेत्रफल इंटू ये लंबाई, तो ए dx को अपन क्या लिख सकते हैं dv लिख सकते हैं, आयतन में हुआ परिवर्तन, तो p इंटू क्या देगा आपके पास dv हो जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से dw बराबर क्या देगा आपके पास p dv। अब यदि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो v1 से लेके v2 तक चेंज होता है तो किया गया कार्य, तो मैं लिख देता हूं यदि गैस का आयतन v1 से v2 परिवर्तित होता है तो आपके पास ना डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या देगा, इंटीग्रेशन कर देंगे अपन पी डी वी का, वॉल्यूम अपन ले लेंगे वी वन से लेकर के वी टू तक, ठीक है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या देगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया होता है, तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं पी का वी के सापेक्ष V1 से V2 तक समाकलन, तो P का V के सापेक्ष V1 से लेके V2 तक क्या हो जाएगा आपके पास समाकलन हो जाएगा, ओके। और यह इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, पी वी वक्र तथा वी एक्स के मध्य का एरिया, पी वी वक्र तथा वी अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। अब बात सुनना भी, मान के चलिएगा आपको P और V के बीच में ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, यू ये V हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, ये आपके पास में V हो गया, और मान के चलिएगा P और V के बीच में ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, यू इस प्रकार से यू ग्राफ दे रखा है P और V के बीच में। अब यहां पर तो मान के इसलिए का जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना है, V1 है, और यहां पर जो अंतिम आयतन है वो कितना देगा आपके पास में V2 देगा। तो आप तो देख लोगे ये P और V के बीच में ग्राफ है, और ये आपके पास में Vx है, तो PV वक्र तथा Vx के मध्य का एरिया आपको निकालना है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है इस प्रकार से, रेड कलर से जो शेडेड एरिया है, और ये वाला जो एरिया है ये एरिया किसको बताएगा भाई, डेल्टा डब्ल्यू को बताएगा। तो ये जो एरिया है क्षेत्रफल है वही किसको बताएगा बताओ, इस गैस के द्वारा किए गए कार्य को बताएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, देखो तीर का निशान अगर मैं इस प्रकार से ऊपर की तरफ लगा देता हूं तो इसका मतलब हुआ कि गैस है वो V1 से V2 तक जा रही है, यानी V2 और V1 से बड़ा है, यानी गैस है वो क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है, और गैस अगर प्रसारित होती है तो इस स्थिति में गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन उसको अपन क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। और अगर मान के चलिएगा तीर का निशान में उल्टा लगा देता हूं, इसका मतलब गैस संपीड़ित हो रही है, और गैस अगर संपीड़ित हो रही है इसका वॉल्यूम घट रहा है,
और वॉल्यूम घट रहा है तो इस स्थान में गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी, तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो देखना देखो स्टूडेंट्स, अपने कार्य किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से बता देता हूं देवदान से, देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है आपके पास du, और du बराबर कितना होता है म्यू cv डेल्टा t, या क्या होता है आपके पास p2v2 माइनस p1v1 अपॉन क्या होता है गामा माइनस 1 होता है। और एक आपके पास डेल्टा w बराबर क्या होता है आपके पास pdv, v1 से लेकर के v2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई तो डेल्टा q बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा w प्लस क्या होता है du होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके पुट कर देंगे और डी यहाँ से कैलकुलेट करके अपन पुट कर देंगे तो आपके पास में यहाँ पे डेल्टा क्यू आ जाएगा भी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ये बातें तो होगी, इसके बाद सुनो ध्यान से देखना देखो। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी प्रोसेस है एक, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे पी और यहाँ पर अपन बोलते हैं वी, और इसके बाद में ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा ए और ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा बी। तो ए से बी तक आपको जाना है अभी, तो ए से बी तक जाने के लिए एक तो सीधा इस प्रकार से जा सकते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, और एक इस प्रकार से ये वाला रास्ता आपने चूज किया है, एक आपने ये वाला रास्ता चूज किया है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्स्ट, इसको अपन बोलते हैं सेकेंड, और इसको अपन बोलते हैं इस प्रकार से थर्ड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब इन तीनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डी यू, इन तीनों को आपको कंपेयर करना है भी। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि प्रोसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ए से स्टार्ट हो गए बी तक जा रहे हैं, तो तीनों ही प्रक्रमों की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है। और यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान होगी तो इस स्थिति में आपके पास में जो डी यू है वो तीनों के लिए सेम हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास डी यू फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डी यू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डी यू ये थर्ड हो जाएगा, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट, डेल्टा डब्ल्यू सेकेंड और ये आपके पास डेल्टा डब्ल्यू थर्ड। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी डेल्टा क्यू की बात करते हैं, तो डेल्टा क्यू फर्स्ट, डेल्टा क्यू सेकेंड और डेल्टा क्यू थर्ड। अब सुनना ध्यान से देखना देखो भाई, ए से लेकर बी तक आपको जाना है प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनके द्वारा। तो ये तो आपके पास है पीवी वक्र हो गया और ये आपके पास आयतन अक्ष होगी वी अक्ष होगी। तो कौन से ग्राफ के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा होगा बताओ, फर्स्ट के नीचे का एरिया। तो फर्स्ट का कार्य क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, सेकेंड का इससे कम और सबसे कम किसका हो जाएगा थर्ड का। अपन जानते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डी यू तो तीनों प्रोसेस के लिए सेम है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण कौन करेगा बताओ, डेल्टा डब्ल्यू करेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट के लिए सबसे बड़ा, तो डेल्टा क्यू भी फर्स्ट के लिए सबसे बड़ा हो जाएगा भी, ठीक है ना। ये चीज होगी, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब सुनो ध्यान से देखना देखो, कई बार क्या होता है आपके पास में कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। चलो एक बार में जो कार्य का चिन्ह है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब कार्य पॉजिटिव होगा कब कार्य नेगेटिव होगा। तो देखो ध्यान से, ये P, ये V, ये P, ये V, ये P हो गया, ये आपके पास में V हो गया। अब ध्यान से देखना देखो, एक तो आपके पास में प्रोसेस है इस प्रकार से यूं जा रहा है ए से लेकर के बी तक, और एक इस प्रकार से आपके पास यू आ रहा है ए से लेकर के बी तक, और एक आपके पास इस प्रकार से यू आ रहा है ए से लेकर के बी तक। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपन देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक ए पे वॉल्यूम है वो कम है और बी पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस है वो प्रसारित हो रही है, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव,
इस स्थिति में डेल्टा क्यू है वो भी क्या देगा आपके पास में पॉजिटिव देगा भी। इसी प्रकार से यहां पर अपन बोल सकते हैं कि ए से बी जा रहे हैं तो ए पे वॉल्यूम ज्यादा बी पे वॉल्यूम कम, तो यहां पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है घट रहा है, तो जो डेल्टा वी है डेल्टा वी क्या आपके पास में बताओ नेगेटिव, तो इस स्थिति में डेल्टा क्यू भी क्या देगा आपके पास में नेगेटिव देगा भी। अब यहां पर अपन ए से बी तक की बात करते हैं तो ए से बी तक तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास में कॉन्स्टेंट और जो डेल्टा वी है वो कितना हो जाएगा आपके पास में जीरो, तो यहां पर डेल्टा क्यू डेल्टा वी जीरो, अरे डेल्टा डब्ल्यू की बात करनी थी आपको, डेल्टा डब्ल्यू की बात कर रहे हैं यार अपन, तो आपके पास में जो डेल्टा डब्ल्यू है वो भी क्या देगा भी जीरो देगा। तो इस प्रोसेस के अंदर गैस है वो पॉजिटिव कार्य करती है, इस स्थिति में गैस नेगेटिव कार्य करती है, इस स्थिति में गैस है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है शून्य होता है, क्योंकि वॉल्यूम ही अगर कॉन्स्टेंट है इसका मतलब पिस्टन स्थिर है, पिस्टन का विस्थापन जीरो, अपन जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन अगर जीरो हो गया तो कार्य भी कितना देगा जीरो, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर मैं आपको बताता हूं चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम में किया क्या कार्य, तो ध्यान से देखना, देखो चक्रीय प्रक्रम की अपन बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, अभी यहां पे P को लेते हैं यहां पे V को लेते हैं, बताओ चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। चक्रीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है, अभी यानी इनिशियल और फाइनल क्या होते हैं सेम होते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे वापस एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो अपन प्रोसेस बनाते हैं इस प्रकार से, यूं देखो कोई प्रोसेस है जो कि यहां से यहां तक जाता है, ठीक है, ये ए हो गया और ये आपके पास है बी हो गया, तो सबसे पहले ये ए से बी तक जाता है और फिर उसके बाद ये बी से वापस ए तक आ जाता है, तो ये आपके पास है क्या हो जाएगा ए बी, इसको अपन बोलेंगे पी और इसको अपन क्या बोलेंगे क्यू बोलेंगे, तो ए से बी तक जाना और बी से वापस ए तक आना, तो यहां पे प्रारंभिक स्थिति भी ए हो जाएगी और अंतिम स्थिति भी ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बोलते हैं कि यहां पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है तो टेम्परेचर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा नहीं और तापमान में परिवर्तन नहीं होगा तो इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो हो जाएगा, और वैसे भी आंतरिक ऊर्जा तो आपको पता है कि अवस्था फलन होती है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान होगी तो आंतरिक ऊर्जा भी समान हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो इनिशियल और जो फाइनल है वो क्या भी सेम है, और इस कारण से जो टी इनिशियल और टी फाइनल क्या हो जाएगा आपके पास में सेम हो जाएगा, यानी आपके पास जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा जीरो देगा, यानी अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो डी यू है वो भी कितना हो जाएगा जीरो। तो एक चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है बच्चों जीरो होता है अभी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो अपन सबसे पहले इसको यहाँ से मिला देते हैं तो पी क्यू, इसको अपन बोल देते हैं आर बोल देते हैं और इसको अपन एस बोल देते हैं। अगर आपको इस ए पी क्यू बी ए पी बी इस प्रोसेस के लिए कार्य ज्ञात करना है तो ए पी बी प्रोसेस के लिए अगर आपको कार्य ज्ञात करना है तो इस ए पी बी के नीचे का आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा भाई, तो इसके नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा, देखो ये वाला अपन एरिया निकाल दिया, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं ध्यान से देखना, देखो डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए ए पी बी, आपको बताया कि ए से लेके बी तक गैस है प्रसारित हो रही है, प्रसारित हो रही थी किया गया कार्य पॉजिटिव देगा, और कैसे निकाल सकते हैं भाई इसके नीचे का एरिया, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एरिया कौन सा, ये प्लस का चिन्ह तो आ ही जाएगा इसके अंदर, प्लस का एरिया कौन सा हो जाएगा आपके पास में ए पी बी एस आर बी, ए पी बी एस आर ए। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो बी से ए तक का कार्य याद करते हैं,
डेल्टा डब्ल्यू बी क्यू ए बराबर, ये आपके पास हो जाएगा एरिया, कौन सा जाएगा आपके पास है ये वाला एरिया निकाल देंगे, देखो इस बी क्यू ए के नीचे का एरिया, ये वाला एरिया निकाल देंगे अपन। तो इस एरिया का नाम क्या देगा आपके पास है, एरिया बी क्यू ए आर एस बी, और ये वाला जो कार्य है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि बी से लेके ए तक गैस और संपीड़ित हो रही है। और अगर आपको कुल कार्य ज्ञात करना है तो डेल्टा डब्ल्यू ज्ञात करना है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो डेल्टा डब्ल्यू ए पी बी यानी प्रसार का कार्य है प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी क्यू ए यानी संपीड़न का कार्य है। अब ये तो आपके पास है पॉजिटिव, ये आपके पास है नेगेटिव है, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया और इसमें से ये वाला एरिया अगर अपन माइनस कर देंगे तो इसके नीचे का यानी बाहर वाला जो एरिया वो तो प्लस माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल इसके अंदर का जो एरिया है वही आपके पास में बचेगा। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो एरिया कौन सा एरिया, एरिया ए पी बी क्यू ए, ए पी बी क्यू ए यानी इसको अपन बोल सकते हैं चक्रीय प्रक्रम का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, अगर आपके पास ना कोई भी साइक्लिक प्रोसेस आ जाए तो उस सक्रिय प्रक्रम के अंदर कितना, अंदर का एरिया कितना है, इसने कितना एरिया परिबद्ध कर रखा है, कितना एरिया एनक्लोज्ड कर रखा है, वो जो एरिया वही आपको कार्य को बताएगा भाई। और अगर आपका जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है तो इस स्थिति में नेट कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा। और यदि आपका जो साइकिल है वो क्या भी एंटी क्लॉकवाइज है तो इस स्थिति में नेट कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा भी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो अगर आपका जो साइकिल है, साइकिल कैसा है अभी क्लॉकवाइज, तो इस स्थिति में आपके पास डेल्टा डब्ल्यू है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज तो इस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव देगा अभी, ठीक है ना। तो ये सारी सारी चीज़ें नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत काम आएगी आगे। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। हेलो 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 हेलो, चलिए बच्चों इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो अपने को मोनो एटोमिक गैस के लिए पीवी वक्र दिया गया है, डी यू डेल्टा डब्ल्यू तथा डेल्टा क्यू आपको याद करना है। प्रोसेस है वो ए से लेके बी तक जा रहा है, ए का प्रेशर टू पी नॉट, वॉल्यूम कितना देगा वी नॉट हो जाएगा, बी का जो प्रेशर है वो फोर पी नॉट और वॉल्यूम कितना देगा आपके पास फोर वी नॉट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भी? इसके लिए डी यू डेल्टा क्यू तथा डेल्टा डब्ल्यू तथा डेल्टा क्यू याद करना है। तो सबसे पहले चलो डी यू याद करते हैं अपन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले डी यू, तो डी यू बराबर कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन क्या होता है गामा माइनस वन। तो पी टू वी टू कितना देगा बी का फोर पी नॉट फोर वी नॉट, तो कितना देगा आपके पास है सोलह पी नॉट वी नॉट माइनस पी वन वी वन, तो कितना देगा आपके पास है टू पी नॉट वी नॉट हो जाएगा ए का, तो ए का कितना देगा टू पी नॉट वी नॉट अपॉन गामा माइनस वन। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे गामा कितना देगा इस मोनोएटोमिक गैस के लिए पाँच बटा तीन, तो पाँच बटा तीन माइनस क्या देगा आपके पास एक हो जाएगा बराबर सोलह पी नॉट वी नॉट माइनस कितना देगा टू पी नॉट वी नॉट, तो बराबर कितना देगा आपके पास है चौदह पी नॉट वी नॉट और पाँच बटा तीन माइनस एक, तो इसको अपन बोलेंगे चौदह पी नॉट वी नॉट और पाँच बटा तीन माइनस एक कितना देगा आपके पास है दो बटा तीन, तो दो बटा ये आपके पास है तीन हो गया अभी। तो चौदह बटे दो कितना देगा सात और सात इंटू तीन कितना देगा आपके पास इक्कीस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है डी यू बराबर प्लस का इक्कीस पी नॉट वी नॉट हो गया। इसके बाद अपन ज्ञात करते हैं भाई डेल्टा डब्ल्यू ज्ञात करते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकाल सकते हैं इसके नीचे का एरिया, तो ये तो आपके पास में
पीवी वक्र हो गया और इसके नीचे का ये वाला एरिया है, ये एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इसके नीचे का एरिया तो ये आपके पास है, क्या बन रहा है कि ट्रेपेजियम बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके मध्य की दूरी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो ये वाली भुजा कितने देगी, 2P0, और ये कितने देगी, 4P0 देगी। तो 2P0 प्लस क्या देगी आपके पास, 4P0 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितने देगी, 4V0 माइनस क्या देगा आपके पास, V0 देगा। तो बराबर 2P0 प्लस 4P0 कितना हो जाएगा, 6P0। तो 6P0 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 2, और इंटू 4V0 माइनस V0 बराबर कितना देगा, 3V0 देगा। तो 6/2 कितना देगा, 3 कितना देगा आपके पास, 9। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा W बराबर क्या देगा आपके पास, प्लस का 9P0V0। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा Q बराबर क्या होता है, डेल्टा W प्लस क्या होता है, DU होता है। तो यहाँ से डेल्टा W बराबर कितना देगा, अभी 9P0V0 प्लस का, प्लस DU बराबर कितना देगा आपके पास, 21P0V0। तो यहाँ से 21 और 9 कितना देगा आपके पास है, 30P0V0 देगा। और ये भी किसका देगा, प्लस का देगा, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके आना अगले लेक्चर पर। और अगले लेक्चर पर यहाँ पे आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बातें बताई है वही बातें काम में आने वाली है भाई। तो ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों को नोट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।